नमस्कार, मैं हूं दुलचुरी, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर अदारताल थाना क्षेत्र की निवासी युवती को शादी का झांसा देकर दुराचार करने के बाद फरार हुए भरतीपुर निवासी जितेंद्र सोनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र सोनकर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री का भतीजा है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद दिन भर हड़कंप मचा रहा। पुलिस ने बताया है कि एक शादीशुदा महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भरतीपुर निवासी जितेंद्र सोनकर ने वर्ष 2014 में शादी का झांसा देकर दुराचार किया था, लेकिन जितेंद्र पिछले 6 सालों से उससे बहानेबाजी कर रहा था। विगत 3 मई को उसे पता चला कि जितेंद्र ने इंदौर में शादी कर ली है, जिसके बाद उसने 17 मई को जितेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जहां अदारताल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? जितेंद्र सोनकर नाम का युवक है, महिला शादीशुदा है, तलाकशुदा है, जिसकी एक बच्ची है। उस महिला को जितेंद्र सोनकर ने करीबन 8-10 वर्षों से पत्नी बनाकर शारीरिक संबंध शादी का झांसा देकर उसको पत्नी बनाकर रखा हुआ था। उसके बाद जितेंद्र सोनकर की शादी 3 मई को शादी किया उसने, जिस कारण से प्रार्थिया थाने में आकर रिपोर्ट कराई, जिसका मामला कायम कर आरोपी को जेल भेजा गया है। अपराध क्रमांक 496 है, धारा 376 342 का प्रकरण कायम किया गया है। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।